हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड आज से हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर चैप्टर को। तो दोस्तों लेट्स बिगिन द क्लास। सो दोस्तों, हम सभी को पता है हमारे लाइफ में वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हमें जीना है तो हमें पानी पीना होगा। इवन हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी प्लांट्स ट्रीज है, ठीक है, सभी को जिंदा रहने के लिए पानी कंज्यूम करना होता है, पानी लेना होता है। पानी के बिना कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। इसीलिए वाटर को लाइफ कहा जाता है। वाटर इज़ लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ। ये टैगलाइन तो आप लोगों ने देखा होगा, कहीं ना कहीं पोस्टर में आप लोगों ने देखा होगा, वाटर इज़ लाइफ सेव वाटर सेव लाइफ। तो दोस्तों देखो, हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में लगभग 60-70% पानी होता है। हमारे जितना वेट है दोस्तों, उसका 60-70% अगर पानी है। तो हम लोग अगर अपने बॉडी को ऐसे निचोड़ेंगे तो कितना पानी निकलेगा दोस्तों? मेरा वज़न अगर 60 kg है तो लगभग 45-50 kg पानी निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है दोस्तों पानी, एंड पानी का इम्पोर्टेंस मुझे अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर खुद की डेली लाइफ देखेंगे तो डेली लाइफ में आप पानी कहाँ कहाँ नहीं यूज़ करते हैं ये बताएंगे, ठीक है। तो चलो ये सभी बातों को छोड़ के अभी चले जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पानी कहाँ किस रूप में कितना प्रेजेंट है, ये हम लोग देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग पानी को क्लासीफाई करेंगे। कैसे क्लासीफाई करेंगे? साबुन के साथ रिएक्शन को देखते हुए हम लोग पानी को क्लासीफाई करेंगे। देन उसके बाद हम लोग हार्डनेस पढ़ेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, हार्डनेस को कैसे मेजर किया जाता है, हार्डनेस के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। एंड आखिर में हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है, ओके, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग जो पीने का पानी होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना होगा, ठीक है, क्या क्या गुनागुण होना होगा उसमें, ये देखने वाले हैं। एंड एक और टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो क्या है कि जो म्यूनसिपालिटी सिस्टम होते हैं उसमें जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पानी सप्लाई किया जाता है, उसको कौन से ट्रीटमेंट के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है, मतलब उस पानी में कौन कौन से ट्रीटमेंट किया जाता है, देन उसको सप्लाई किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक रहेगा, आज हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, देन उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। दोस्तों चलो अभी सबसे पहले तो हेडिंग लगा लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। तो हमारे अर्थ में पानी कहाँ कहाँ पे किस रूप में प्रेजेंट है दोस्तों, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग पूरे अर्थ में जितना भी पानी है उसको 100% मान लेते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ में जितना भी पानी है उसको अगर हम लोग 100% मान लेते हैं तो उसमें से 97.5% आपका समुंदर का पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर शो रहा हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो चलो मान लेते हैं 100% वाटर है हमारा, ओके, 100% वाटर। इसमें से 97.5% है आपका सेलाइन वाटर, बोले तो आपका समुंदर का पानी, जो कि जिसमें कि सॉल्ट के साथ साथ कई चीज़ें मौजूद होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी काम पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ या फिर हमारे डेली लाइफ के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, कुछ भी काम के लिए हम लोग इस पानी को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 100% पानी में से 97.5% पानी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इस पानी को हम लोग यूज़ करेंगे तो इसके लिए यूज़ करने लायक इसे बनाना होगा, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत खर्चा है दोस्तों। बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू पानी को पास कराना होता है, तब जाके पानी का क्वालिटी आता है यूज़ करने लायक। तो इसमें खर्चा बहुत होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो 100 में से 97.5% समुंदर का पानी चला गया, तो बचा हुआ 2.5% क्या है दोस्तों? आपका फ्रेश वाटर, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशन है, ठीक है। तो 100% वाटर में से 97.5% वाटर चला गया समुंदर का पानी, देन उसके बाद 2.5% बचा हुआ पानी
फ्रेश वाटर है, इसको भी हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। देखो अब इसमें से इस पानी का, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये पानी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे, ये पानी बिल्कुल ऐसे ही रह गया। ओके, अब इस पानी को हम लोग अगर देखते हैं तो इस पानी में भी क्या है दोस्तों, इस पानी में भी आपका पिक्चर में दिख रहा होगा 79% पानी क्या है दोस्तों, आइस आकार में है। ठीक है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इसमें है। आइस ग्लेशियर बोले तो दोस्तों ये पानी आपका 2.5% पानी में से 79% पानी आपका बर्फ़ के आकार में है। ठीक है, हमारे अर्थ को अगर देखेंगे तो अर्थ में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है दोस्तों, इसमें सूरज के किरणें नहीं पहुंचता है, तो इसमें इस जगह में जितना भी पानी है वो क्या हो रहा है दोस्तों, वो बर्फ़ के आकार में मौजूद है वहाँ पर, जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ़ भी धीरे धीरे घुल रहा है एंड रिवर के थ्रू समुंदर में आके मिल रहा है, तो ये जो फ्रेश वाटर का पानी है दोस्तों 79% जो कि बर्फ़ के आकार में है वो भी धीरे धीरे कम रहा है एंड समुंदर में आके वो इस अमाउंट को इनक्रीज़ कर रहा है, समुंदर का पानी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए खतरा है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस पिघल रहा है तो हमारे लिए थोड़ा बहुत खतरा है, समुद्र का पानी का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा एंड जो लैंड्स है दोस्तों, जो आइलैंड्स है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। ओके, देखो अब 2.5% फ्रेश वाटर में से 79% क्या है, आइस ग्लेशियर्स है एंड 20% है आपका ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर बोले तो ज़मीन के नीचे, ठीक है, ओके, ज़मीन के साथ जो पानी रहता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। ओके, तो 20% क्या है, ग्राउंड वाटर है एंड यहाँ से कितना बचा दोस्तों, 1% बच गया है, 1% आपका क्या है, 1% है आपका अदर फ्रेश वाटर सोर्सेस। अदर फ्रेश वाटर सोर्सेस मतलब ये अलग अलग सोर्सेस में है, ये वाला आपका पानी क्या है, ग्राउंड वाटर, ये बिल्कुल ज़मीन का पानी है, ज़मीन के नीचे जो पानी रहता है दोस्तों ये है आपका ग्राउंड वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर सोर्सेस। इसमें आपका क्या आ जाता है दोस्तों, ये 1% में आपका आ जाता है वाटर इन लेक्स। वाटर इन लेक्स कितना है दोस्तों, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा 52%, लगभग 52% है दोस्तों लेक्स में। ठीक है, लेक्स एंड आपका 38% है क्या दोस्तों, ये है आपका वाटर इन सॉइल, ये मिट्टी में है। ठीक है, ये वाला जो पानी है दोस्तों 38% ये मिट्टी में है, बोले तो हम लोग जो मिट्टी है दोस्तों अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये हमारा जो अर्थ है तो इसके पास इसको हम लोग ये पूरा जो लेवल है ये थिकनेस जो है दोस्तों मिट्टी का, इसको हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं, धरती कहते हैं। ठीक है, इसमें इसी स्तर में होता है आपका ये वाला पानी। ठीक है, ये वाला पानी 38% पानी। ओके, एंड जो नीचे रहता है उसको तो हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, जो बहुत नीचे होता है, जिसको हम लोग उठा के कुएँ से या फिर ट्यूबवेल से निकालते हैं, वो पानी आपका ग्राउंड वाटर है। ठीक है, चलो तो 38% आपका वाटर हो गया सॉइल में एंड उसके बाद 10% लगभग 10% क्या है दोस्तों, वाटर वेपर के आकार में हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर के आकार में हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, वायुमंडल पे जो ह्यूमिडिटी होते हैं, जो जलीय वाष्प होते हैं दोस्तों, उसका कितना है परसेंटेज, 10% है। इस 1% में से 10% है वाटर वेपर के आकार में एंड 1% है आपका क्या, रिवर में एंड बाकी जो 1% बच गया है दोस्तों, दिख रहा है आपको बाकी जो 1% दिख रह गया है दोस्तों वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर में जो प्रेजेंट है उसका परसेंटेज है सिर्फ 1% इस 1% में से। ओके, तो देखो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोस्तों, पिक्चर आपको क्लियर हो रहा है, पूरा हमारे अर्थ में जितना भी पानी है उसको अगर 100% मान लेते हैं तो उसमें से 97.5% लगभग आपका
क्या है, समुंदर का पानी है जिसको हम लोग किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यूज़ भी करते हैं तो फिर बहुत दिक्कत है एंड बहुत खर्चा होगा उसमें। एंड बचा हुआ जो 25% है दोस्तों, ठीक है, वो है आपका फ्रेश वाटर जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ट्रीटमेंट करना होगा, ओके। एंड उसके बाद ये 2.5% जो फ्रेश वाटर है 100% में, उसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है 2.5% वाटर का 79% आपका आइस ग्लेशरीज बर्फ आकार में रहता है, ठीक है। एंड इसी 2.5% का 20% ग्राउंड वाटर में होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर होता है मतलब मिट्टी के नीचे होता है। एंड इस 2.5% में 1% आपका अदर फ्रेश वाटर सोर्सेज, जैसे कि आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, वाटर इन सॉयल एंड वाटर वेपर के आकार में, ओके। तो हम लोग कितना पानी यूज़ करें दोस्तों, देखो ओनली 1%, 100% में इतना परसेंट रह गया है, इतना परसेंट में 1%, एंड इस 1% का 1% हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं, हमारे बॉडी में मौजूद है। तो देखो, चलो, तो ये पिक्चर आप ड्रॉ कर लेंगे अपने नोट पे, एंड ये पूरा वैल्यू को भी आप साइड में लिख देंगे तो बेहतर रहता है। ये हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, हमारे अर्थ में जितना भी वाटर है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके। चलो, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम लोग अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर ऑन बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ वाटर टूवर्ड्स सोप सोल्यूशन, ठीक है, सोप के साथ, साबुन के साथ रिएक्शन के ऊपर बेस करके हम लोग वाटर को क्लासिफाई करने वाले हैं। सो टाइप्स ऑफ वाटर बेस्ड अपन इट्स बिहेवियर टूवर्ड्स सोप सॉल्यूशन, ठीक है। तो साबुन के साथ पानी का जो बिहेवियर है दोस्तों, उसके ऊपर बेस करके हम लोग पानी को दो टाइप्स में भाग कर सकते हैं, दो टाइप्स में बांट सकते हैं। एक तो है आपका सॉफ्ट वाटर, दूसरा है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर बोले तो मीठा पानी, हार्ड वाटर बोले तो खारा पानी। अब मीठा पानी क्या होता है, खारा पानी क्या होता है, जो पानी हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिस पानी को हम लोग पीते हैं, वो आता है आपका सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग पानी के साथ साबुन यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी आपका कपड़े काचने का कोई भी सर्फ हो गया, तो जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा बबल्स फॉर्म होता है, झक्का फॉर्म्स होता है, ठीक है। बबल्स बोले तो आपका साबुन का जो झक्का आता है दोस्तों, तो उसे हम लोग बबल्स कहेंगे। तो देखो, जो पानी साबुन के साथ यूज़ करने से एकदम फटाफट से वो बबल्स फॉर्म करता है, उस पानी को हम लोग कहेंगे सॉफ्ट वाटर, ओके। एंड जिस पानी के साथ साबुन को यूज़ करने से जल्दी से बबल्स फॉर्म नहीं होता है, झक्का नहीं आता है साबुन का, तो उसको हम लोग कहेंगे हार्ड वाटर। तो इसी बिहेवियर के ऊपर क्लासीफाई किया गया है पानी को दो कैटेगरी में, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर का, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, वाटर दैट रेडिली प्रोड्यूस लेदर, ठीक है, वाटर दैट रेडिली प्रोड्यूस लेदर विथ सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। इस लेदर का अर्थ क्या है दोस्तों, साबुन का झक्का, ठीक है, साबुन का बबल्स जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं
लेदर्स, ओके। तो जो पानी साबुन के साथ फटाफट से छक्का प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर। जैसे कि आपका अगर एग्जांपल दूँ तो क्या होगा, एग्जांपल बताओ आपका जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर, ठीक है, जैसे रिवर वाटर हो गया, नदी का पानी, एंड देन डिस्टिल्ड वाटर, तो ये सभी पानी क्या करते हैं दोस्तों, साबुन के साथ एकदम फटाफट से झक्का प्रोड्यूस करता है, जिसके लिए हम लोग इसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर। अभी बात करते हैं हार्ड वाटर के बारे में। खारा पानी क्या होता है, हार्ड वाटर, ओके। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, वाटर दैट डज नॉट इजीली प्रोड्यूस लेदर विथ सॉप इज कॉल्ड हार्ड वाटर, ओके। वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर इजीली water that does not produce leather easily with soap is called hard water, ठीक है। अगर example लिए तो example क्या होगा दोस्तों बताइए, खारा पानी का example, पहला example तो है आपका sea water, ठीक है, समुंदर का पानी, ओके। एंड वाटर फ्रॉम डीप वेल, डीप क्या है, ट्यूब वेल, ठीक है। सी वाटर एक तो आ गया हार्ड वाटर का एग्जांपल, दूसरा हो गया आपका डीप ट्यूब वेल से जो पानी निकलता है उसमें भी हार्डनेस रहता है दोस्तों, वो उसमें भी नमक प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें भी नमक प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से वो भी साबुन के साथ इजीली झक्का प्रोड्यूस नहीं करता है। डीप ट्यूब वेल देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें से जो भी पानी निकलता है दोस्तों वो भी आपका वन टाइप ऑफ हार्ड वाटर होता है, ठीक है ना। चलो तो ये दोनों डेफिनेशन फटाफट से लिख लिए दोस्तों, देन उसके बाद हम लोग हार्डनेस के बारे में डिस्कस करें। हार्डनेस क्या होता है, खारापन क्या होता है, पानी का खारापन क्या होता है, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर बोले तो पानी का खारापन, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है दोस्तों, या फिर पानी का खारापन क्या है। देखो पानी का खारापन पानी का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जो कि पानी को साबुन के साथ रिएक्शन करके साबुन का जो झाग उत्पन्न होता है उसको रोकता है, साबुन का जो झाग उत्पन्न होता है दोस्तों उसको होने से रोकता है, ये वाला प्रॉपर्टी, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर व्हिच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लेदर और फोम विथ सोप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से, हार्डनेस ऑफ वाटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर Which prevents, ठीक है, मतलब रोकता है, prevents the formation of leather. Leather क्या है दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, leather होता है साबुन का झाग या फिर झक्का जो भी आप कहें, और foam with soap, ठीक है। एंड आप ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू व्हिच
फॉर्मेशन ऑफ लेदर रिक्वायर्स मोर या फिर लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से झाग उत्पन्न करने के लिए ज़्यादा अमाउंट मतलब ज़्यादा साबुन यूज़ होता है, ज़्यादा साबुन लगता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर व्हिच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लेदर और फोम, ठीक है, ये है आपका फोम विथ सोप, ड्यू टू व्हिच फॉर्मेशन ऑफ लेदर रिक्वायर्स लार्जर अमाउंट ऑफ सोप, ठीक है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए, खारापन, वाटर का खारापन क्या है दोस्तों, वाटर का एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वाटर साबुन के साथ जल्दी से झाग उत्पन्न नहीं करता है, या फिर जो प्रॉपर्टी झाग उत्पन्न होने से रोकता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। चलो तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो पानी में हार्डनेस का कारण क्या है दोस्तों, पानी में खारापन का कारण क्या है, बेसिक सा बात है दोस्तों, पानी में अगर नमक प्रेजेंट होगा तो पानी खारा तो होगा, ठीक है। समुंदर का पानी इतना खारा क्यों है, क्योंकि समुंदर के पानी में बहुत सारा नमक प्रेजेंट है, बहुत तरह के नमक प्रेजेंट है, इसीलिए समुंदर का पानी खारा होता है। एंड पानी का खारापन नमक के वजह से आता है, लेकिन किस किस नमक के वजह से आता है ये हमें यहाँ पे देखना है, ओके। चलो तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे चलो लिख देते हैं, अगर नहीं होगा नहीं यहाँ पे आएगा तो फिर हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेनली किस वजह से आता है दोस्तों, इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर, ठीक है। ओके, हार्डनेस क्यों आता है दोस्तों, पानी में डिजॉल्व मतलब घुला हुआ नमक के वजह से पानी में आता है खारापन। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से ऐसे नमक है जिसकी वजह से जनरली खारापन आता है। तो देखो लाइक आपका आता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, ठीक है। देखो आपका क्या आता है दोस्तों, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ आता है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन का बाइकार्बोनेट नमक या फिर क्लोराइड नमक या फिर सल्फेट नमक के वजह से आता है पानी में खारापन, ओके। चलो तो इतना फटाफट से लिख लो दोस्तों हार्डनेस ऑफ वाटर का डेफिनेशन एंड कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में हम लोगों ने क्या देखा, अगर पानी में मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर आयरन का बाइकार्बोनेट लवण या फिर क्लोराइड लवण या फिर सल्फेट लवण आपका प्रेजेंट होता है तो फिर उस पानी में खारापन आएगा, ओके। अब कितना अमाउंट में आता है, कैसे हम लोग मेजर करेंगे, किस तरह से मेजर करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, कैसे पानी में जो खारापन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट क्या होता है खारापन का, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो अभी इसको फ़िलहाल मैं इरेज कर देता हूँ, एंड उसके बाद ये जो नमक है दोस्तों मैंने जो यहाँ पे लिखा है,
मैग्नीशियम कैल्शियम एंड आयरन का बाइकार्बोनेट, या फिर आपका जो आता है क्लोराइड सल्फेट, इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स, ओके। तो देखो मैंने क्या कहा था, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है। तो पहला टाइप हो गया आपका बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एंड मैग्नीशियम एंड आपका आयरन, ठीक है। तो आयरन का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट आपका प्रेजेंट हो सकता है वाटर में, या फिर तीनों ही प्रेजेंट हो सकता है, या फिर दो प्रेजेंट हो सकता है। अगर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, सिंगल प्रेजेंट रहे या फिर डबल या फिर ट्रिपल में प्रेजेंट रहे, तो पानी में क्या आएगा, खारापन आएगा, ठीक है। तो दूसरा टाइप ऑफ नमक क्या है दोस्तों, क्लोराइड, क्लोराइड का स्पेलिंग है CHLORIDE, क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड, ओके। तो ये तीनों नमक में से अगर कोई नमक प्रेजेंट होता है पानी में, तो फिर वो पानी क्या होगा, हार्ड होगा, खारा होगा, ठीक है। या फिर दो यहाँ से दो नमक प्रेजेंट हो सकता है, या फिर तीनों ही प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया दोस्तों, क्लोराइड के बाद आता है सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, जो भी नमक प्रेजेंट हो पानी क्या होगा, खारा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल नमक कितने हैं, तीन नमक, यहाँ पे तीन नमक, यहाँ पे तीन तरह के नमक, ठीक है ना। मेनली हार्डनेस का जो वजह होता है दोस्तों, ये नौ नमक होता है, ठीक है। और भी कई तरह के नमक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए हार्डनेस उतना नहीं होता, ठीक है, उसको हम लोग ईजिली दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों तरह के, ये जो नए तरह के, ठीक है, नाइन तरह के जो नमक है दोस्तों, इसके लिए मेनली आता है आपका हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का पानी का खारापन, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि पानी में खारापन कौन से नमक की वजह से आता है, तो आप ये जो नौ नाम मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे तीन नमक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, आयरन बाइकार्बोनेट, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा टाइप है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आयरन क्लोराइड, देन उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड आयरन सल्फेट सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो नौ तरह के नमक है दोस्तों, यही है रीज़न एंड यही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस। सबसे पहले तो ये वाला डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस के कितने टाइप्स है। देन उसके बाद रिएक्शन ऑफ हार्ड वाटर विथ सोप, ठीक है। तो साबुन के साथ हार्ड वाटर, खारा पानी का जो रिएक्शन होता है, उसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद हम लोग यूनिट ऑफ हार्डनेस कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग बाद में जाके करेंगे, लेकिन कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट ऑफ हार्डनेस जान लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जानेंगे हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस कैसे कैसे रिमूव किया जाता है, कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग हार्डनेस को, खारापन को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही, हम लोगों ने वाटर चैप्टर को स्टार्ट कर लिए हैं, तो और भी चार क्लासेस आएगा दोस्तों। आज है 25 तारीख, तो लगभग 2-3 तारीख के पहले हम लोग वाटर चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं तीन तारीख से पहले ही वाटर चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर दूंगा। एंड उसी बीच में आपका जो फर्स्ट चैप्टर क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का भी एक या फिर दो लेक्चर मैं 3 तारीख से पहले डालने वाला हूँ। तो लगभग
तीन तारीख से पहले आपका 6 से 7 क्लासेस आएगा केमिस्ट्री का, एंड फिजिक्स के जो क्लासेस है वो तो एक दिन बाद बाद आता रहेगा। ओके, तो दोस्तों देखो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड क्लासेस कैसा लग रहा है, हेल्प हो रहा है कि नहीं, हेल्प मिल रहा है कि नहीं आपको, तो आप ये अपने कमेंट से, अपने लाइक से हमें बताइएगा, ठीक है ना। एंड क्लासेस को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। मेरा ये जो चैनल है, मैं जो आप लोगों के लिए क्लासेस अपलोड करता हूँ, तो मेरे को अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मेरा जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एंड ऐसा दिन आएगा कि क्लास मतलब मैं अपलोड करना बंद कर दिया हूँ, तो ऐसा ना हो इसीलिए आप सपोर्ट करते रहिए मेरे को। मैं आपके लिए क्लासेस रेगुलरली देने की कोशिश करूँगा एंड देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।